भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज शाम बेंगलुरु में खेला जाएगा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच रनों की जंग देखने को मिलने वाली है। विराट जहां इंटरनेशनल टी20 में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बचाना चाहेंगे, तो रोहित की कोशिश होगी कि वो एक बार फिर इस लिस्ट के टॉप पर आ जाएं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 72 रनों की नाबाद पारी खेलने के दौरान विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। मोहाली में खेले गए मुकाबले की कोहली की पारी की मदद से भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया था। भारत के सामने 150 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 19 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में कोहली ने अपने साथी रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा था। रोहित ने इस मुकाबले में 12 रन ही बनाए थे। कोहली के नाम फिलहाल 71 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2441 रन हो गए हैं, वहीं रोहित ने 97 मैचों में 2434 रन बनाए। तीसरे मैच में रनों की रोचक जंग देखने को मिलने वाली है। दरअसल रोहित शर्मा ओपन करते हैं जबकि कप्तान मिडिल ऑर्डर में आते हैं। अगर उपकप्तान रोहित 8 रन बना लेते हैं तो विराट से आगे निकल जाएंगे। हालांकि इसके बाद अगर विकेट गिरते हैं तो विराट के पास भी आगे निकलने का मौका होगा। देखा जाए तो इन दोनों के बीच होने वाला रोचक मुकाबला फैंस को खूब पसंद आने वाला है, यानी कि आज एक बार फिर रनों की बारिश होगी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।